नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सारी दुनिया कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। हमारे देश में 2 महीने से लगे लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां बंद हैं, कारोबार बंद हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी, गरीबी अपने चरम पर है। अचानक लगे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान प्रवासी मजदूर। शहरों में उनके पास न रहने के लिए मकान, न खाने के लिए रोटी, न पैसा। मजबूर होकर अपने घरों की ओर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करने के लिए निकल पड़े। रास्तों में एक्सीडेंट से मारे गए, ट्रेन से कटकर कई मजदूरों की जान गई, भूखे प्यासे, पैरों में जख्म, यहाँ तक कि गर्भवती औरतों को भी सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ा। ये सब मंजर देखकर, ये सब हालात देखकर दिल बहुत दुखी। आप लोगों से अपील करती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नफरत की राजनीति को छोड़कर अपने आसपास में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो विवाह औरतें हैं, उनका सहारा बने, उनकी मदद करें। आज हमारे देश में लगे लॉकडाउन को 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ये महामारी अब लाखों की तादाद में हमारे यहाँ मरीज संक्रमित हो गए हैं। मौत भी दिन पे दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सेहत के लिए एहतियात बरतें, भीड़ में ना जाएं। आपसे 2 लाइनों के जरिए से अपनी बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि ज़रूरत में हमेशा ही तुम्हारे काम आऊँगी, ज़रूरत में हमेशा ही तुम्हारे काम आऊँगी। रुचि वीरा है मेरा नाम, मैं वादा निभाऊंगी कि जिसकी रोशनी से हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों, कि जिसकी रोशनी से हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों, चराग ऐसा मोहब्बत का यहां पर मैं जलाऊंगी। एक बार फिर ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया।